इस जगह पे ढेर सारी कंपनियां हैं, हम किसी भी एक को पकड़ के पूरी जानकारी ले लेंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिंह राजपूत और स्वागत है आप सभी का एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग में। आज के इस वीडियो में मैं अपने बड़े भैया के साथ में जा रहा हूँ इनके लिए एक नई कंपनी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी पुरानी कंपनी छोड़ रहे हैं आज से। तो ढूंढते हैं, आज संडे है और आज ढूंढते हैं कि कोई नई कंपनी मिलती है कि नहीं। पूछते हैं कि कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। कंपनी छोड़ने का मेन प्रॉब्लम यही है कि कंपनी में जो है बहुत गर्मी लगती है और कोई भी सुविधा नहीं लगवा लीजिए, गर्मी लग रहा है तो। और हम लोग जहाँ पे काम करते हैं उस पर ना ही कोई लिंटर ना ही कोई छत लगा है, केवल टीन अच्छे से कवर किया गया है और इतनी गर्मी होती है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इनके कंपनी में, पागल हो जाता है। हाँ तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं नई कंपनी ढूंढने के लिए। भाई साहब की टोपी उड़ गई यार, पीछे कहाँ चले गए? टोपी उड़ गई। हाँ रफ्तारी भैया का है, इतना तेज टोपी उड़ जा रहा है। रोड के किनारों का कचड़ा कूड़ा कचड़ा साफ हो रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गंदगी मच गई थी। ये देखिए ये छोटा जेसीबी कचड़ा साफ करते हुए हम लोग भटक रहे हैं दोस्तों। अभी कोई ऐसा इंसान मिला नहीं जिससे हम पूछें कि हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। देखते हैं क्या होता है आज, बस कुछ डिटेल्स मिल जाए फिर हम कल कंपनी ज्वाइन कर लेंगे आके। इस जगह पे ढेर सारी कंपनियां हैं, हम किसी भी एक को पकड़ के पूरी जानकारी ले लेंगे। पहले आप किस कंपनी में काम करते थे? पहले मैं दोस्तों ये सामने CXY कंपनी आप देख रहे हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, ऊपर मेरा वो जो ब्लू और येलो वाली है। हाँ हाँ सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे मैं काम करता था, उसमें जो है लोन से रिलेटेड काम होते थे। लोन से रिलेटेड? हाँ, और ये पार्क है, मैं इसमें आता था चाय पीने। जरा गौर करिए इस कंपनी पे, सभी के सभी सिंबल्स को ही अपना वॉल बना लिया है, बड़ा ही अद्भुत लग रहा है ये कंपनी। वो एक भैया है उन्हीं से पूरी जानकारी ले रहे हैं आगे दौड़ दौड़ के, लग रहा है वहीं जो उन्हीं के साथ में ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप के साथ साथ हवाएं चल रही हैं। फाइनली दोस्तों हमने 10-12 कंपनियाँ ढूंढ ली और पता कर ली, अब लास्ट में चल के ये खुद डिसाइड करेंगे कि इन्हें करना क्या है, पूरा इनके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों से बात किए, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस और सभी लोगों से, सभी कंपनियों में, और अभी भी इधर ही भटक रहे हैं, अब घर की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम फायर स्टेशन आराम से तक आ चुके हैं, आराम से अंदर बैठे और यहाँ पानी गिर रहा है मोटर का, धूप में पूरा मुंह सूख गया दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा गन्ने का जूस पी लेते हैं, यहाँ पीछे गन्ना और यहाँ गन्ने का जूस। अभी जाके दोस्तों दिल को सुकून और शरीर को थोड़ा राहत मिला, क्योंकि काम दोनों हो गया, काम दोनों हो गया। कौन सा दोनों का? काम यही हो गया कि कंपनी में क्या नाम है, कल इंटरव्यू देने जाना है, जॉब कन्फर्म है, किसी ना किसी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और ये गर्मी में थोड़ा राहत लेने के लिए हम लोग थोड़ा ये गन्ने का जूस भाव मारते हुए यहाँ पे। अच्छा वो रोड साफ़ करने वाली मशीन जो पानी का फुहारा मारते हुए जा रही है पूरे रोड पे, ये रोड साफ़ कर रही है या क्या कर रही है? हाँ रोड को गीला कर रही है हल्का सा, ताकि धूल मिट्टी उड़े ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इससे फ़ायदा क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अभी तुरंत सूख जाएगा फिर वही। इससे देखो दो तीन चीज़ का फ़ायदा है, पहली बात गाड़ी मोटर हमेशा चलती रहती हैं तो धूल गर्दा नहीं उड़ेगा, और गर्मी का टाइम है तो हल्का ठंडक रहेगा रोडों पे। तो क्या डिसाइड किया आपने, क्या करना है आगे? हाँ मैंने कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उनसे मैंने पूछा कंपनी के बारे में, हर चीज़ मैंने पूछी, अब क्या नाम है, कल मुझे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। कल इंटरव्यू क्या होता है कल? हाँ कल इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो फिर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि भगवान से आशा है, देखते हैं कल क्या होता है। मेरे वाले ग्लास में एक, इसको क्या बोलते हैं सुरकने वाले को, पाइप हाँ मेरे वाले में पाइप है, इनके वाले में नहीं है, ये धोखा हो गया।